आपने पेंटिंग कहाँ से सीखी है? सीखी है कि मन से ही? पूरी पूरी मन से? डांट देनी पड़ेगा आपने? मैं बंगाल से हूँ। आपका नाम क्या है? धर्म? धर्मपाल। ओके ओके। कहते हैं कि हर एक आर्टिस्ट की पेंटिंग के पीछे कुछ ना कुछ थीम होता है, तो आपका थीम क्या है? जैसे आपने बप्पा के बहुत सारे साइड में बनाए, जैसे दो लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड और सामने की साइड में। अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है, देखती हूँ। पीछे जो गौतम बुद्ध जी की जो पेंटिंग है वो भी आपका है या तो नहीं है? अच्छा अच्छा कौन? अच्छा आपका नाम? आपने किसी मीन्स सीखी है कैसे पेंटिंग? तो कितने सालों से आप पेंटिंग कर रहे हैं? आप म्यूजियम क्यों नहीं खोले थे? आपको कभी ये ख्याल है कि आपको म्यूजियम खोलना चाहिए? नहीं यार, जैसे बड़े बड़े लोग जैसे ड्राइंग से म्यूजियम खोलते हैं, अभी जैसे राष्ट्रपति बन जाते हैं, सरस्वती बन जाते हैं, तो आप इस अपने चैलेंज को आप एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स उम्मीद की किरण पर अपने चैलेंज को कभी ऐसा ख्याल आया किसी वैसे ही काला घोड़ा फेस्टिवल में आके ऐसे करना है? हर एक पेंटिंग का कॉस्ट कितना देना चाहेंगे आप? जितना मेहनत लगा उस उसके बदौलत और काम के हिसाब से। ये सब पेंटिंग्स किसके? उधर बैठे हैं। अच्छा अच्छा इस पेंटिंग से क्या है, क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा ये कौन है? कपिल काम के करते हैं। अच्छा अच्छा आपका पेंटिंग नहीं? बंद क्यों कर दिया? अच्छा नहीं लगता कभी ऐसे कुछ, जैसे ऐसे कुछ पेन मिला है क्या, ठोस मिला है क्या, ऐसे इसमें नहीं करते ऐसे भी? फिर से शुरू कीजिए, फिर से शुरू कीजिए। आर्टिस्ट जो की कदर कोई करे ना करे, ऐसे फेस्टिवल जहाँ होता है ना, सारे आर्टिस्ट को अपनी कदर से मिलती है। जैसे बाहर स्ट्रीट में भी लोग आ रहे हैं करते करते, आज भी ऐसे भी लोग बहुत लोग हैं आर्टिस्ट की कदर करते हैं। हाँ अभी थोड़ा दुनिया आर्टिस्ट के मन में आर्टिस्ट के लिए कदर नहीं है, आपको ऐसा लगता है? हकीकत है ना। एक्चुअली इस कंपटीशन की जिंदगी भी है ना, सच में ही सारे में सभी जो आर्टिस्ट के बैठक है। अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के, आपके भी। सो दीज आर द पेंटिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाई द आर्टिस्ट ऑफ काला घोड़ा, एंड यू कुड सी दैट दी ब्लैक एंड वाइट कलर पेंसिल पेंटिंग्स हियर, एंड इट्स वेरी वेरी नाइस, एंड द एंटायर थीम इज लाइक फॉरेस्ट सिटी, वेरी नाइस। This is these are miniature paintings. I hope so. Yeah, this is that miniature painting we do. And as I've studied in my history and the 7th and 8th history books, this is a very nice concept. And Raja Ravi Verma has been one of my favorite artists since many times. This one was awesome. Awesome. And these are the paintings which has been done. I think the dried people leaf was chosen to paint because concepts and the color combination and the abstract paintings of each and artist, every artist differs since ages. Miniature time painting has been differing since ages. This one is nice. These are also nice. See, very nice.
भैया जी आपका नाम? ये आपके पेंटिंग्स है वो वाला? वो मेरे दोस्त का काम है, बबलू। बबलू, अच्छा अच्छा अच्छा। इस पेंटिंग से आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये लैंडस्केप का पार्ट है मैम, लैंडस्केप को मेरा देखने का एक अलग नज़रिया है, उस तरीके से मैं लैंडस्केप को देखता हूँ। ओके ओके। इधर से शायद ब्रशेस यूज़ नहीं किए होंगे आप? ब्रश सारे चीज़ें यूज है, ब्रश है, रोलर है, नाइफ है। अच्छा अच्छा। कुछ चीज़ें ब्रश से ही पॉसिबल है, कुछ चीज़ें रोलर से ही पॉसिबल है। अच्छा लगा आपको। ये वाला किस किस का है? ये मेरे फ्रेंड का है, ये मेरा काम है। अच्छा अच्छा। फ्रेंड्स के काम है यहाँ पे। वाह, आपके फ्रेंड का नाम बबलू बोले थे ना? ये कपिल कामले। हम लोग चार पांच आर्टिस्ट एक साथ में एग्जीबिट कर रहे हैं। ये वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये राव सर के, ये हमारे टीचर का काम है। मुझे, मैं जब बचपन में ड्राइंग सीखी थी तो बोले थे कि एक एक सीधा अगर लाइन भी खींचोगे ना तो वो भी एक पेंटिंग है। बिल्कुल है, क्योंकि लाइन कहानी बोल सकती है आपकी। हाँ हाँ हाँ, वही पूरी स्टोरी बता सकती है। आप एक काम कीजिए ना। हाँ। आप अभी काला घोड़ा में हो, थोड़ी देर बाद आइए, हम यहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन चालू करेंगे। अच्छा अच्छा। आपको पेंटिंग करनी है और कुछ भी कर सकते हैं आप, मैं आपको एक चीज बताऊँ। हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैं खारगढ़ से इधर आई हूँ, नई मुंबई से। अच्छा अच्छा। 9 दिन का सब, शायद पांचवा दिन होगा कल शाम को। अच्छा। सारे जो काला घोड़ा में आए थे उन्होंने? हाँ हाँ हाँ। सब उनके, कुछ बच्चों के, कुछ आप जैसे लोगों के। अच्छा। अभी ये सेशन शुरू होगा थोड़ी देर बाद, तो आप आइए, आप भी पेंट कीजिए। अभी शुरू नहीं हो सकता? अभी नहीं, अभी वो आएंगे ना सर। ओके ओके। और साथ ही साथ, हाँ हाँ, इसमें पेंटिंग हम सिलेक्ट करके यहाँ पर एग्जीबिशन करेंगे, तो जिसका भी एग्जीबिशन में नाम आएगा उसको हम मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। आप आइए थोड़ी देर में, मैं भी आता हूँ जरा। हाँ, मैं कोशिश करूँगी। ये 9 डेज तक चलते हैं ना? 9 दिन तक? 10 तारीख को लास्ट है। 10 तारीख को लास्ट है ना? उसके पहले अगर आप आई तो कोशिश करूँगी इसके उस टाइम आने के लिए। ठीक है भैया, अच्छा लगा। सो दीज आर द स्टोरीज ऑफ द आर्टिस्ट एंड आई ट्राई टू शो यू ऑल ऑफ यू दैट हाउ आर्टिस्ट डिफर्स देयर स्केचेस and how color combination each and every differs among every artist. And quite a few time before I tried to show the main idea of like sadhus and all, and I have also shown miniature paintings and the paintings where Lord Ganesha has been depicted. And I hope you all would like my video, and today I am just going to upload this video in my YouTube channel. And one more interesting thing I just want to show you all. See, you could see, or you all could see this. I think these are the different types and natures of Lord Shiva, as I could feel. And all the Hindu mythological gods, Lord Vishnu, along with all kind of goddesses, pictures are there, depicting here. भैया आपका नाम? अभी दस से यू ऑल कुड सी दैट दिस आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू स्केच द पेंटिंग ऑफ दिस लेडी। इट्स वेरी नाइस अटेम्प्ट आई कुड सी। It's a very nice, being a North Bengal girl, I have not experienced such kind of things ever in my life, and such a beautiful art festival, this is like awesome. Who could say the meaning of this painting and that painting? All the real artists could feel these paintings, not a simple artist like me. And you all could see and you all could experience all kind of these things. And today I have experienced the main Mumbai and the main things, a spice of India. And today I just want to say that I'm really, really, really very lucky to be part of this festival. It's a very nice festival, very nice. And I could also see some kind of more paintings here. Very nice, awesome. Means all kind of means compliments are like just like a kid here.
I'm speechless, I would say. Okay guys, see you later, and I hope you all would like my video, and thanking you. Bye.